तो कल के इंजीनियरिंग वाले वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमें फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना है तो किस वे से करना चाहिए, 11th 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहिए या डिप्लोमा के बाद। इस चीज का आंसर आपको खुद ही ढूंढना है, मैं तो आपको क्लेरिफिकेशन दे सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 11th 12th की, तो 11th 12th में आपका जो बेस है दैट इज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये स्ट्रांग होने वाला है और इस बेस के दम पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। वेरज अगर मैं बात करता हूँ डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा के 3 सालों में आपका टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आपके जो इंजीनियरिंग में चैप्टर्स है फिर जो सब्जेक्ट्स रहने वाले वही सब्जेक्ट्स आपको डिप्लोमा में बेस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। और सेकंड एडवांटेज डिप्लोमा का ये भी है कि 3 साल के डिप्लोमा के बाद आपको बढ़िया सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।